नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक परम ज्ञान में। शिव आदि शक्ति हैं जो स्वयंभू हैं, अर्थात शिव जन्म मरण से परे हैं। शिव किसी काल के अधीन नहीं है और काल से भी ऊपर हैं। काल से उच्च होने के कारण शिव को महाकाल कहा जाता है। महाकाल सब दो शब्दों के योग से बना है, महा और काल। महाकाल से आशय है, काल से महान या उच्च। शिव काल के अधीन नहीं है, काल से भी उच्च होने के कारण शिव को महाकाल कहा जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल ज्योतिर्लिंग जो मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में स्थापित है। महाकाल शिव का ही एक रूप है जो सृष्टि का सृजन पालन और संहार भी करते हैं। शिव महापुराण की कोटि रुद्र संहिता में 16वें अध्याय में सूत जी महाराज द्वारा कहा गया कि अवंतिका नगरी, जिसे आज हम उज्जैन के नाम से जानते हैं, वहाँ पर एक वेद प्रिय नामक ब्राह्मण रहता था। वह हर रोज अपने घर में अग्नि की स्थापना कर अग्निहोत्र किया करते थे। प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग की स्थापना कर उनकी पूजा करते थे। उन ब्राह्मण के 4 पुत्र थे जो उनके समान ही बड़े तेजस्वी थे। उन्हीं दिनों रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक एक असुर ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या कर उनसे अजेय होने का वरदान प्राप्त कर लिया था, और इस वरदान की प्राप्ति के बाद उसने देवताओं, मुनियों इत्यादि को सताना प्रारंभ कर दिया था। इसी क्रम में उसने अवंतिका नगर पर भी अपनी भारी सेना लेकर चढ़ाई कर दी। उस असुर की आज्ञा से 4 भयानक राक्षस प्रकट हुए और चारों दिशाओं से अवंतिका नगरी पर हमला करने लगे। इतना सब कुछ होते हुए भी उस ब्राह्मण के वे चारों पुत्र जरा भी भयभीत नहीं हुए थे, और इस घटना के मध्य वह लगातार भगवान शिव की आराधना कर रहे थे। यह देखकर उस असुर को बहुत क्रोध आया और उसने तत्क्षण उन चारों को मारने का आदेश दिया। वह चारों ब्राह्मण बंधु इस बात को अनसुना कर लगातार शिव जी की आराधना व भक्ति करते रहे। जब वह राक्षस उनको स्वयं मारने के लिए आतुर हुआ, तब शिवलिंग के स्थान पर भयानक गड्ढा हो गया और वहां से साक्षात शिव जी प्रकट हो गए, और उन्होंने अपनी एक हुंकार मात्र से ही उस राक्षस का अंत कर दिया। इसके पश्चात उन्होंने उन चारों ब्राह्मणों से कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो भी वर चाहते हो मांगो। उन चारों ने भगवान शिव से मोक्ष प्राप्ति के वर मांगे और उनसे विनती की कि आप सदैव इस जगह पर निवास करें ताकि और लोगों का भी उद्धार हो सके। उनकी इस आग्रह पर भगवान शिव हमेशा के लिए महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में उस अवंतिका नगरी में स्थापित हो गए, जिसे आज हम उज्जैन के नाम से जानते हैं। महादेव मनुष्य के शरीर में प्राण के प्रतीक माने जाते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर प्राण नहीं होते तो उसे शव का नाम दिया जाता है। भगवान भोलेनाथ का त्रिदेवों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। शिव को मृत्यु लोक का देवता माना जाता है। यह बात आपको पता ही होगी कि त्रिदेवों में विष्णु को पालनहार, ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता और भगवान शंकर को संहारक कहा गया है। भगवान भोलेनाथ संहार के अधिपति होने के बावजूद भी सृजन का प्रतीक है। इसके अलावा पंच तत्वों में शिव को वायु का देवता भी माना गया है। वायु जब तक शरीर में चलती है तब तक शरीर में प्राण बने रहते हैं, लेकिन जब वायु क्रोधित होती है तो प्रलयकारी बन जाती है। जब तक वायु है तब तक शरीर में प्राण होते हैं। शिव अगर वायु के प्रवाह को रोक दें तो फिर वे किसी के भी प्राण ले सकते हैं। वायु के बिना किसी भी शरीर में प्राणों का संचार संभव नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।